नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं ले आया हूँ ये पबजी बैटल फील्ड गन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। छोटे बच्चों के लिए यानी 5 साल से ऊपर के बच्चे इसका यूज कर सकते हैं, उससे छोटे बच्चों के लिए ये टॉयस नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं। हालाँकि मैंने इसे ओपन कर रखा है, लेकिन मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ। मुझे पलटना होगा डिब्बा और फिर हम इस बॉक्स को निकालते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका मेन आर्टिकल है यानी गन है। एक पैलेट हैं जो प्लास्टिक के हैं। ये हमारा मेन गन है, तो हम इसे भी निकालते हैं। साथ में ये हमारा एक लेजर, लेजर ये भी कुछ है, और एक बॉटल मिला हुआ है। बस ये चीज़ें मिली हुई हैं इस गन के साथ। मैं हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम गन को देख लेते हैं। दोस्तों आपको इस गन को, इस जो आपका लेजर टारगेट करने के लिए मिला हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा है, इसे आपको निकालना होगा। जैसे आप इस पत्ती को निकाल देंगे, यहाँ पे स्विच बना हुआ है। स्विच ऑन करते ही आप देखेंगे लेजर लाइट जल रही है। और इसको फिट कहाँ करना है आपको, सिंपल इस गन में बॉटम बैरल के नीचे यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, बस आपको इसको यहाँ पे फिट कर देना है। एंड आपका ये तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर दिख रहा है। जहाँ पे लेजर लाइट ब्लिंक कर रही है यानी जल रही है, वहाँ पे आपका टारगेट लगेगा। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। समझदार बच्चे हों जिन्हें पता हो कि इसका यूज कैसे करना है। ये जो प्लास्टिक के जो पैलेट हैं, ये चोट भी पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ ये अगर बच्चे ने गले में खा लिया तो उसके गले उसको नुकसान भी कर सकते हैं। ये खाने लायक चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। और साथ में कुछ सिलिकॉन के पैलेट मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं बॉक्स में हैं। अभी छोटे छोटे हैं और ये 1000 अलग से मिला हुआ है। बस आपको पानी में इसे 6 से 7 घंटे के लिए आपको इसमें डिप करके छोड़ दीजिए, डुबा के छोड़ दीजिए, तो फूल के कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आप इस बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इस बॉक्स में डालिए और पानी डाल दीजिए, कुछ देर में फूल जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा। यूज कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। आपको सिंपल यहाँ पे रेड कलर का आपको नोब दिख रहा होगा, इसको खोलना है। आपको जो भी पैलेट, जितने भी पैलेट यूज करने हैं, खोलिए। ये सिलिकॉन वाले पैलेट निकालिए। ये आपको मार्केट में अलग से भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने के बाद। आप किसी भी टॉयस की दुकान पे आपको बहुत सस्ते प्राइस में ये वाला पाउच मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं। आपको इसके अंदर इन पैलेट्स को डाल देना है, इसे आपको बंद कर देना है। इसको क्रॉक करने के लिए आपको सिंपल इसे किया है, क्रॉक हो गया, और आप इसे फायर कर सकते हैं। देखा आपने, यहाँ पे हालांकि एक ही पैलेट इसके अंदर गया था और वो फायर हो गया। हर बार आपको क्रॉक करना पड़ेगा एंड फायर करना पड़ेगा।